हेलो आहूजा आंटी। हाँ जी आंटी, भुवन बात कर रहा हूँ। आंटी, आपका छोटा लड़का पागल तो नहीं है? उसने पापा के कान के पास ऐसा पटाखा फोड़ा, वो बहरे हो गए। तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है? पेड़ा खा तो लूंगा, लेकिन दिवाली चली गई। मैं छत से देख रहा था, उसने बम जला के दूसरी मंजिल से नीचे फेंका, वो सीधा पापा के कान के पास आके बैठा। आप उसको बचाइए मत, उसने सबकी नाक में दम किया हुआ है, अब पापा का कान कैसे ठीक होगा? हेलो हेलो बेटा, इन्हें तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा। कोई बात नहीं, कचौड़ी खा लेंगे। लेकिन भूल बेटा, एक बात गौर करने वाली है, इस साल दिवाली पे बहुत शांति थी, ना पटाखों का शोर और ना लोगों के बात करने तक की आवाज नहीं। अभी भी देख कितनी शांति है। क्योंकि आपको सुनाई नहीं दे रहा, कल बहुत शोर था। शोर था? कहां से घुसा? कुछ लेके तो नहीं गया? ये आदमी बहरा हो गया, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। अरे सुन रहे हो? मैं टीटू मामा से बात कर लेता हूँ। लेटा हूँ, तू तो खड़ा है। आप मेरे होंठ पढ़ रहे हो? जोर से नहीं बोलेगा तो होंठ ही पढ़ने पड़ेंगे। नुकसान पे उभर गया। अबे चुप बैठ, अंकल के सामने मत बोल। बोल लो भाई, उनको कुछ सुनाई नहीं देता। किसी बेवकूफ लड़के ने उनके कान के पास पटाखा फोड़ दिया, सुन नहीं सकते। आवाज आ रही है? क्या कह रहा है? जोर से बोल। गाली दे रहे हैं, गाली दे रहे हैं। होंठ पढ़ पा रहे हैं? अरे वाह अंकल, होंठ पढ़ लेते हो। भुवन बेटा, होंठ पढ़ सकता हूँ, दांत नहीं पढ़ सकता। इसके दांत ऊपर नीचे हो रहे हैं बस। ओ बुढ़ा बहरा हो गया, ओ बुढ़ा बहरा हो गया, ओ बुढ़ा बहरा हो गया। ओ तमीज से। कमीज तो अच्छी है दोनों की। इनको तो बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा। इनको तो ये भी सुनाई नहीं देगा कि तू कल तीन पत्ती में होंठ पढ़ लेते हैं। इनको तो ये भी सुनाई नहीं देगा कि तू कल तीन पत्ती में 8,000 रुपए हार गया। पता भी नहीं चलना चाहिए, नहीं तो मेरी पॉकेट मनी बंद हो जाएगी। पापा, मेरी इस महीने की पॉकेट मनी दे दो ना। पॉकेट मनी? कल ही तो दिए थे 2,000 रुपए, कहाँ उड़ा दिए? अंकल तीन पत्ती में हार गया, हाई कार्ड पे खेल रहा था, अगले के पास थी ट्रेल, 600 रुपए लगा के गोटे होके फेल। अरे गुल्लू, मेरे को सुनना ही नहीं है। उस दिन वो बहुत चौड़ा हो रहा था, उसको उसकी औकात बतानी जरूरी है। अब पीठ पीछे वो चौड़ा होता है जो असल जिंदगी में कुबड़ा हो। ना 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 ना, कमेंटा विच गाल नहीं कटनी। फेसबुक पे गाली देके क्या सुधर जाएगा वो? नहीं 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 नहीं, मुझे उसकी अपोलॉजी और घर के कागज चाहिए अगले 24 घंटे के अंदर अंदर। क्या चाहिए? क्या हुआ मामा? क्या बताऊं भांजे, ये वसूली के धंधे में काफी धोखेबाजी हो रही है। लगता है बहुत बिजी हो आज। जीता जी, आप यहाँ खड़े हो, कुछ बोले नहीं? भाई तूने बताया क्यों नहीं? अरे कुछ, मैं बैंक में धोखेबाजी की बात कर रहा था, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं, सब ठीक है। धीरे बोलो यार, तुम्हारे होंठ देख रहा हूँ। क्या मतलब? होंठ तुम्हारे, आज वही देख के काम चलाऊंगा। बेटा तेरी माँ कहाँ है? इधर इधर देख के बात करो, अपने होंठ दिखाओ। अरे क्या हो गया जीजाजी को? बहरे हो गए। क्या? किसी पागल ने इनके कान के पास पटाखा फोड़ दिया, तो अब सुन नहीं पा रहे लेकिन होंठ पड़ रहे हैं। अच्छा, मुझे तो उस दिन कुछ म्यूचुअल फंड का बता रहा था परसों, अब बात अधूरी रह गई। पर जीजाजी, तीन चीजों को कभी छोटा मत समझो, दिल्ली की ठंड, म्यूचुअल फंड, सोया। सोया क्या? चाप चाप चाप। अब ये म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना बहुत इजी हो गया है, बस ये ग्रो नाम का ऐप डाउनलोड कर लो, जितना मर्जी इन्वेस्ट करो विदाउट एनी कमीशन या कोई हिडन चार्ज, जब मर्जी इन्वेस्ट करो, जब मर्जी निकाल लो। अरे लाखों लोग यूज कर रहे हैं इसको, तू अपने पापा के फोन में डाल दे ये ऐप, GROWW। मैं तो कहता हूँ आज ही इन्वेस्टमेंट शुरू कर दो, नो पेपर वर्क रिक्वायर्ड, सब ऑनलाइन है। अरे बहुत तेज बोले यार, कुछ समझ नहीं आया। वो नहीं दिखाते टीवी एड में, म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू बाहर के डिस्क, प्लीज कीप योर पैर खोले बिकॉज इंटरेस्टिंग। क्या? तू तो कह रहा था इस साल इलेक्शन लड़ूंगा। हनीमून और इलेक्शन में उम्मीदवार का खड़ा होना बहुत जरूरी है, तुम नहीं समझोगी। वैसे भी धंधे में काफी धोखेबाजी हो रही है। मोहब्बत और धंधे में धोखेबाजी होती ही है मामा जी। वो फर्जी प्यार होता होगा तेरा वाला, असली मोहब्बत में धोखेबाजी नहीं होती। असली मोहब्बत में आंखें गीली होती हैं और फर्जी मोहब्बत में अंडरवेयर। ये लोग इतनी धीरे क्यों बात कर रहे हैं? होंठ पढ़ने की कोशिश करता हूँ। अरे भैया भैया बोलो, अरे भैया दीदी थोड़ा सा तेज बोलो यार, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अरे तेज बोल के क्या होगा बहरे लाल? मामा पर कौन से धोखेबाजी की बात कर रहे हो? बेटा इतने साल का मेरा वसूली का तजुर्बा है ना, लेकिन इस साल मेरे से चूक हो गई। क्या बोला? चूक? छी छी, कितनी गंदी भाषा यूज कर रहा है बच्चों के सामने।
क्या हुआ? कल मैं एक बंदे से अपने पैसे वसूलने के लिए उसके घर गया। उसने मुझे चैलेंज किया कि तू मुझे तीन पत्ती में हरा दे और अपने सारे पैसे ले जा। अब अपन लोग 5 रुपए की बूट डालने वाले लोग हैं और कभी कभी तो बिना डाले भी कहते थे डाल दी, पर वो कमीनों की बूट 500 से शुरू होती है। बूट बूट के चक्कर में मेरी गांड का संदूक हो गया, जेब खाली। फिर मेरे पास कलर सीक्वेंस था, गुलाम बेगम बादशाह, तो मैंने कुछ पेपर गिरवी रख दी ये सोच के कि मेरे वसूली के पैसे तो वापस आ जाएंगे, पर उस हरामजादे की इक्के की ट्रेन निकली। ओह नो, ओह फक। एक बात तो मैंने सीख ली है, जीवन में लालच उतना ही यूजलेस है जितना केबीसी में जोड़ीदार वाली लाइफलाइन। दलदल में घुसाएगी। पहली बार मैं तीन पत्ती में हारा, लेकिन मुझे पता उसने चीटिंग करी है। मामा, लेकिन पेपर कौन से गिरवी रखे हैं? टीटू, तूने हमारे घर के कागज की फोटोकॉपी करा ली थी? बेटा, मैं पता नहीं कौन से जोश में था, दीदी की कसम मैं जीत रहा था, लेकिन उसने कोई चीटिंग करी है। भाई कोई बात नहीं, तू मेरे साथ रहेगा। जब अपने धोखा दे देते हैं ना तो दो जगह देते हैं। सुन बे कोमोलिका, फालतू की भड़काऊ बातें की ना तो तेरे पैरों की कटोरियां निकाल के उसी में सूप पिलवाऊंगा। क्या पिलवाऊंगा? लगता है काफी मजेदार बातें हो रही है। कैसे अपनी बर्बादी पे हंस रहे? अरे घर बिक गया, सड़क पे आ गए। इसी मफलर का टॉवल बना के अपनी टांगों के बीच में घिसना। टॉवल को क्या करना है? घिसना है और गिफ्ट है, गिफ्ट ना है। अरे इस टाइम कौन पटाखे फोड़ता है बे? तेरे बाप की शादी है क्या? फालतू का पैसा है, लोगों को चैन से जीने नहीं देते। मन करता है इन सबको इन्हीं के रॉकेट से बांध दूं। कैसे हंस रहे हैं बेटा, तू बता दियो इनको, मेरी तो हिम्मत नहीं है। मामा उनका घर बिका है, इतनी बड़ी खबर मैं कैसे बता दूं? किसका घर बिका? हमारा घर बिका है, ये घर बिका है, क्या फायदा, सुनाई तो देगा नहीं। घर बिक गया कैसे? आपको सुनाई दे रहा है? हाँ तो किसका घर बिक गया? आप सुन पा रहे हो? अरे हाँ, किसका घर बिक गया? कैन यू रियली लिसन? हाँ, किसका घर बिका? आप सुनने लगे? अरे हाँ बहरी औरत, कितनी बार बोलूं अपने कान का इलाज कराओ, किसका घर बिका? अच्छा बताओ ये कौन सा गाना है? भुवन के पापा एक ही चीज पूछ रहे हैं तब से, किसका घर बिका है? अरे किसी का नहीं, मैं ऐसे ही मजाक कर रहा था। इस तरह का मजाक? मामा अरे मैं वही सोचूं यार, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तुम कर ही नहीं सकते ऐसा। मैं वही चेक कर रहा था, देखा दीदी घर बिकने के नाम पे काम कैसे ठीक हो गए। बचपना गया नहीं तेरा अभी तक शरारती? बढ़िया, चाय पीने का मन कर रहा है।